नहीं गर्ल्स गर्ल्स पिछली क्लास में हम लोगों ने स्लीव के बारे में डिस्कस किया था और उनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि स्लीव क्या होती है। स्लीव किसी भी गारमेंट का वह डेकोरेटिव या फंक्शनल पार्ट है जो उस व्यक्ति विशेष की आर्म्स को पार्शियली या फुली कवर्ड करता है। इसके साथ ही हमने स्लीव के टाइप के बारे में भी देखा था कि स्लीव बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है, सैटिन स्लीव, रेगलन स्लीव एंड किमोनो स्लीव। आज हम जिस स्लीव के बारे में डिस्कस करेंगे वो है किमोनो स्लीव। तो यह मैं आपको स्लीव के बारे में बता चुकी हूँ, अब मैं आपको बताऊंगी वर्ड किमोनो के बारे में। किमोनो वर्ड जो है इसका मतलब होता है थिंग्स टू वियर। किमोनो वास्तव में एक कॉस्ट्यूम है, एक ड्रेस है जो कि जापान में और चाइना में इसे वियर किया जाता है। जापान में जो किमोनो वियर किया जाता है यह उनका एक नेशनल ड्रेस के रूप में जाना जाता है, जिसका की शेप टी शेप होता है और जनरली ये सिल्क मटेरियल में वहां पर बनाया जाता है। लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें प्रयुक्त स्लीव शॉर्ट लेंथ भी हो सकती है या फुल स्लीव भी हो सकती है। और इस स्लीव वाली ड्रेस को, इस किमोनो को बेसिकली वो लोग स्पेशल ओकेजन्स पर जैसे मैरिज पार्टी में पहनते हैं। और ये जो स्लीव है इनमें सेपरेटली ज्वाइन की जाती है। जब भी हम चाइना के यदि किमोनो को देखें तो उनमें जो स्लीव है वो सेपरेटली ज्वाइन नहीं की जाती है, बल्कि फ्रंट एवं बैक बॉडीज को ही एक्सटेंड करके स्लीव को बनाया जाता है। तो उनमें बेसिकली यही डिफरेंस पाया जाता है कि जो जापान का किमोनो होता है और जो चाइना का किमोनो होता है उसमें ये अंतर पाया जाता है। और क्योंकि ये किमोनो में प्रयुक्त स्लीव का टाइप है इसीलिए स्लीव का नाम जो है वो हमने किमोनो स्लीव रखा है। इसके साथ ही जापानीज किमोनो को हम देखें तो ये डीपर आमोल लगता है, जिसके कारण इसमें यहाँ पर बहुत सारे रिंकल्स बन जाते हैं। सैटिन स्लीव से ठीक विपरीत इसमें यहाँ पर डीपर आमोल पाया जाता है, जबकि सैटिन स्लीव में हमने देखा था पिछली क्लास में कि उनमें लूज आमोल या नहीं पाया जाता है। इस स्लीव को मे बी कट इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, किसी भी फॉर्म में इसको कट किया जा सकता है। यदि चाइना के किमोनो को हम देखें तो वहां पर जो ये स्लीव बनाई जाती है इन किमोनो में वो फ्रंट और बैक बॉडीज पार्ट को एक्सटेंड करके बनाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाया है। इसमें कोई शोल्डर सीम नहीं पाई जाती है, न ही इसमें कोई आर्म सीम पाई जाती है। इसके साथ ही जो स्लीव को देखा जाए तो कैसे रन करती है, साइड सीम ऑफ द स्लीव टू द साइड सीम ऑफ द बॉडीज, इस प्रकार से ये रन करती है। इसके जो फीचर्स हम देखें तो इसके बहुत एक्सट्रीमली फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं कि ये जो स्लीव है एक्सट्रीमली ब्रॉड होती है टॉप पर और एंड स्लाइटली एट द रिस्ट, यानी कि जिस स्लीव को देखा जाए तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसका काफ़ी ब्रॉड होता है और धीरे धीरे रिस्ट की ओर जाते हुए नैरो हो जाती है। ये स्लीव बहुत ही कम्फर्टेबल होती है, कम्फर्टेबल फीचर इसका सबसे प्रमुख गुण है। इसके साथ ही क्योंकि इस स्लीव में बॉडी पार्ट और स्लीव पार्ट के बीच में अंडर आर्म वाली जगह पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कलेक्ट हो जाता है, इस कारण इसमें अनअवॉइडेबल रिंकल्स बन जाते हैं, यानी कि अंडर आर्म पर रिंकल्स बनना इस स्लीव की एक मुख्य विशेषता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है रिंकल्स अंडर द आर्म अनअवॉइडेबल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये स्लीव कैसी बॉडी टाइप पर अच्छी लगती है। वे व्यक्ति जिनका कि स्लिमर अपर टाइप है, अपर बॉडी पार्ट है, उनमें ये स्लीव बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन स्लीव को देखा जाए तो ये तीन वैरायटी में बनती है, जैसे कि आपने देखा था या हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, बच्चों को जब हम पिछले सिलेबस में देखते थे तो उनमें इसके कई वेरिएशन हम बच्चों से बनवाते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि जब फ्रंट और बैक बॉडीज को 2 or 3 इंच एक्सटेंड करके जब हम ये शेप बना देते हैं तो मेगा स्लीव कहलाता है। जब हम फ्रंट और बैक बॉडीज को एक्सटेंड अप टू रिस्ट कर लेते हैं और उसमें जो स्लीव का जो शेप देते हैं, ये जो साइड शेप देते हैं वो चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन के बीच में से शेप देते हैं तो ये लूजर शेप आ जाता है, तो हमारा किमोनो स्लीव बन जाती है। और यदि वेस्ट से ही शेप स्टार्ट कर दिया जाता है तो डॉलमेन स्लीव बन जाती है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मेगा स्लीव और किमोनो स्लीव में क्या अंतर होता है, किमोनो और डॉलमेन में क्या अंतर होता है। आप देखेंगे कि किमोनो और डॉलमेन में यदि हम देखें तो डॉलमेन जो होती है बहुत लूजर होती है, जबकि किमोनो जो है उसकी तुलना में कम लूजर होती है, क्योंकि इस किमोनो में जो शेप क्रिएट किया जाता है वो चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन के बीच में से ही शेप डाल दिया जाता है, जबकि डॉलमेन स्लीव में ये शेप वेस्ट लाइन से ही डाल दिया जाता है, इसका इसमें हैवी रिंकल्स यहाँ पर अंडर आर्म पर बन जाते हैं। थैंक यू।